हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं टुडेज। तो एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं बिग बॉस 14 के बारे में। और इस बार जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड को सलमान खान को बॉयकॉट करने की बातें की गई, सलमान खान के फिल्मों को और उनके रियलिटी शोज़ को, यानी कि जनता ने जब डिसाइड किया कि अब सलमान खान का कोई भी फिल्म आती है या फिर कोई रियलिटी शो आता है तो हम उसे बॉयकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे, हम नहीं देखेंगे और अपना बदला जो है वो सलमान खान से लेंगे, तो शायद उसका असर अब देखने को मिल रहा है। बिग बॉस 14 को लेकर जो बज़ है वो अब सोशल मीडिया पर या फिर चीज़ों को देखकर नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो हमेशा बिग बॉस 13 की जो एक बेहद ही अच्छी सुपरहिट टीआरपी थी, जिसके बाद बिग बॉस 14 को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस थी वो और भी ज़्यादा हो गई थी कि इस बार बिग बॉस 14 की जो टीआरपी होगी वो तो ताबड़तोड़ होगी। और इस बार जब फॉर्मेट भी चेंज है और उसके बाद जब सीनियर्स घर के अंदर गए हैं जिसमें कि एक जाना माना नाम है यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला, उसके बाद तो यानी कि टीआरपी की वॉट लगने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो एक बज है, जो एक माहौल है वो बन नहीं पा रहा है बिग बॉस 14 को लेकर। अभी बहुत ही ठंडा पड़ा है बिग बॉस 14। और इसको लेकर जो केआरके हैं यानी कि क्रिटिक हैं हमारे, इन्होंने भी एक ट्वीट कर डाला है और ये लिखा है कि जो लोग हैं उन्होंने एक हिस्ट्री बना दी है बॉयकॉट बिग बॉस को करके, बिग बॉस 14 को बॉयकॉट करके। और यहाँ पर जो ओपनिंग एपिसोड था उसकी सबसे लोएस्ट टीआरपी रही शो की अभी तक, जितने भी सीजन्स रहे हैं, जितने भी शोज रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोएस्ट टीआरपी इस सीज़न के ओपनिंग एपिसोड की रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इस पर एक बेहद ही सलमान खान को निशाना बनाते हुए केआरके ने ये ट्वीट किया, लेकिन इतनी जल्दी फैसला ले लेना शायद ठीक नहीं है। अभी तो सिर्फ 4 दिन हुए बिग बॉस को शुरू हुए, अभी पूरा सीज़न बाकी है, 3 से 4 महीने बाकी हैं। धीरे धीरे लोग, जो जनता है, जो फैंस हैं, लोगों को समझ रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं और फैसला शायद 1-2 हफ्ते के बाद लिया जाए तो शायद अच्छा होगा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज़ फॉर मोर।